हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचयू पैट सालर नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर बीसीए कोर्स के बारे में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीसीए कोर्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है आपकी। देखिए, बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप 12th पास आउट होनी चाहिए, यानी कि 10+2 आप होने चाहिए, और 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साइंस के साथ आपका मैथ्स होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन में आपका मैथ्स होना चाहिए। यानी कि 12th में अगर आपका मैथ साइंस स्ट्रीम है तो आप बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस क्लियर करना होता है। अब इस एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है, तो देखिए, सिलेबस में आपको जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं एंट्रेंस का सिलेबस बता रही हूँ बीसीए कोर्स का। जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी जो है मैथ से 50 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैंने सिलेबस बताया, ये जो आपके मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बताया, ये आपके बीसीए कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम का, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देता है बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, उसका मैंने आपको सिलेबस बताया। अब पूरा प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका पूरा प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं कि इसका आपके कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कितने मार्क्स के होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ओके, तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको प्रोस्पेक्टस में दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स के टोटल सीट्स कितनी हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में बीसीए कोर्स के टोटल आपकी 100 सीट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीसीए कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज चलता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन आपको जो फी पे करनी होती है तो आप ईयरली फी करते हैं ओके, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में पहले साल की फीस पे करेंगे, सेकेंड ईयर में आप दूसरे साल की, और थर्ड ईयर में आप तीसरे साल की फी पे करेंगे। चलता तो है, लेकिन आपको फीस ईयरली पे करनी होगी। तो आप देख लीजिए फीस स्ट्रक्चर क्या है मेन कैंपस का बीसीए कोर्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट ईयर में आपको 52,000 रुपये जमा करना होता है बीसीए के लिए। 52,000 रुपीज़ आपका फी है फर्स्ट ईयर के लिए, आपको 52,000 रुपीज़ सबमिट करना होगा बीसीए कोर्स में। सेकेंड ईयर में आपको 48,000 रुपीज़ सबमिट करना होगा, सेकेंड ईयर में 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपये। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको 51,000 रुपये सबमिट करना होता है, थर्ड ईयर में आप 51,000 रुपये 51,000 रुपीज सबमिट करेंगे बीसीए कोर्स में। ओके, तो ईयरली आपकी फीस सबमिट होती है फर्स्ट ईयर में 52,000, सेकेंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 51,000। ओके, तो आपके 3 साल में 3 बार में आप बीसीए कोर्स की अपनी पूरी फीस सबमिट करेंगे। तो ये थी बीसीए कोर्स की डिटेलिंग वीडियो। और कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए फर्दर सभी अपडेट्स के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए, और कोई भी अगर अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। ओके, फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिस होना यानी कि बहुत बड़ी गलती होना। देखिए, कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, आपका कट ऑफ राउंड अभी चलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है, पेपर की कोई भी कटिंग आती है, तो वो हम वहाँ टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।